डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। आपने जिक्र किया था पहले कि 109 डॉलर के आसपास जो एक ताज़ा टॉप था जुलाई का, वो मतलब उसके ऊपर निकलने की संभावनाएं हैं, और पिछले हफ्ते हमने यही देखा कि उसके ऊपर तो निकल गया है। तो अब उसके आगे आपने 120 तक की भी बात कही थी, और 120 अगर जाता है 109 से 110 से, तो उसका भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन तो किया ही था कि वो हम मतलब दुनिया भर में तहलका तो मचाएगा उससे। वही चीज़ तो ठीक नहीं लग रहा ना कि डॉलर एज ए करेंसी, एज ए रिजर्व करेंसी अभी भी बहुत स्ट्रांग है, और ये अब तक हमारे इक्विटी के लिए बहुत नेगेटिव हो चुका होता। आपके पास सेवियर है आपका क्रूड, अगर क्रूड फेवर में नहीं होता तो अभी मैसेकर होता था हमारे मार्केट में डॉलर इंडेक्स के बिहेवियर, वही बैलेंस आउट कर रहा है। तो हमारा अभी भी डॉलर इंडेक्स का बिहेवियर इज नॉट फेवरेबल फॉर आवर इक्विटीज, 100% नॉट। सेवियर इज क्रूड, अगर क्रूड यहाँ से बाउंस हो गया लंबा, अगर 10 डॉलर के आसपास वाला, और डॉलर इंडेक्स भी आपका 110 के ऊपर निकल गया, तो आपको अपने मार्केट में भी अच्छा 3-4-5% करेक्शन सीधा दिख जाएगा। लेकिन अभी चूंकि फैक्टर्स निगेट कर रहे हैं एक दूसरे, बहुत ही कंफ्यूजिंग फैक्टर्स हैं एक दूसरे में, इसलिए हमारा मार्केट भी उसको बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता। जी, तो अभी संभावना कितनी है जो 120 की आपने बात कही थी उसकी, और डॉलर इंडेक्स के जाने की संभावना आज की तारीख में कितनी लग रही है? देखिए मैं तो सिर्फ डेटा देखता हूँ, आपने ये चार्ट लगा रखा है, आपका ये चार्ट थोड़ा सा कप एंड हैंडल जैसा दिखेगा, जे पैटर्न दिखेगा आपका। अभी जो हैंडल का जो लो दिख रहा है ग्रीन लाइन के पास, आपका जो डीएमए है वो लाइन का लो को आप समझ लीजिए आपका सपोर्ट है, जब तक ये होल्ड करता है। क्योंकि वो एक क्रूड एनालिसिस बता रहा हूँ, बिकॉज हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो भी देख के समझ सकते हैं कि एटलीस्ट वॉच क्या करना है। वो जो आपका 107 के आसपास का लो है वो हैंडल आप देखते रहिए, जब तक वो नई ब्रीच होता है 1750 का, यस आप 120 के लिए रेडी रहिए। अच्छा, आप जो कप एंड हैंडल की बात कर रहे हैं, तो भाई चाय का कप तो हम सब लोग हाथ में लेते हैं, तो ये पैटर्न दर्शकों को बड़े आराम से समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैं ठीक समझ पा रहा हूँ तो आपका कप एंड हैंडल में कप जो शुरू हो रहा है वो 14 जुलाई के टॉप से शुरू हो रहा है, उस कप की तलहटी जो है वो बनी है 11 अगस्त को, उस कप का एक जो अंतिम सिरा बनता है वो 23 अगस्त को बनता है, और उसके बाद फिर हैंडल शुरू होता है जिसमें नीचे 107 आपने कहा, अब हैंडल पूरा होकर के शायद उससे भी ऊपर जाना शुरू हो गया है। क्या यही कहानी है? कप एंड हैंडल का यही कहानी है, इसमें स्कैलप भी पैटर्न कहते हैं, जेब पैटर्न होता है, कभी आराम से समझाते हैं, दोनों है इसमें। लेकिन फिलहाल आपने सिर्फ कप एंड हैंडल देखना है, हर कप के अलग अलग तरीके के हैंडल होते हैं, थोड़े इनोवेटिव होते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा इनोवेटिव है, लेकिन वो हैंडल के ऊपर ही है तो वो तो भी हैंडल तो फेवरेबल पार हो है। गया हो ना, तो मतलब गया ब्रेकआउट हो गया है उस कप एंड हैंडल से। जी, बिल्कुल हो गया। जी, तो इस कप एंड हैंडल का नेचुरल टारगेट क्या है? 120 के पहले तो कोई टारगेट सोचना नहीं, थोड़ा अच्छा, ये बहुत एरर टारगेट रह कैसे सकता। निकलता है? मतलब अगर मैं इस कप की जो ऊपरी रेखा है इसको, एक कप का ये ऊपर का लाइन बना दिया, कप का एक बॉटम देख लिया हमने कहाँ पर है, तो क्या इस कप की जो गहराई है ब्रेकआउट लेवल से हम इसी को नापते हैं कि जितनी जितना गहरा ये कप है उतना ही ऊपर आगे टारगेट बनेगा, क्या ऐसा है? तो जब मैंने जैसे बताया मैं टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ता सीखता रहता हूँ तो मैंने इसको दर्जी मेजरमेंट का नाम लिया। तो ये जो कपड़े की मेजरमेंट आती है, ट्राउजर की मेजरमेंट होती है ना, वैसे ही वाली ये मेजरमेंट है, आप इसको फेयर एस्टिमेट मान सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ट्रिक कर लीजिएगा, जो आपने ये लेंथ लिया ना, इसका दो पार्ट जी डिवाइड कीजिएगा, 50% एंड 100%। जी 50% पे आपकी एक्यूरेसी निकल के आ जाएगी 90% प्लस, 100% पे आपकी एक्यूरेसी निकल के आ जाएगी 60% से 65%, तो वो बहुत कम है। जी अब ये देखिए, 100% के हिसाब से भी 114 तक आता है। हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ कि मेरा 120 का एस्टिमेट अलग तरीके से है, वो बात अलग जी है। ये 100 आपने जो ये बोला कप एंड हैंडल का टारगेट, तो ये ऐसे ही जी निकलेगा, और ऐसा थोड़ी है जी कि एक बार निकला तो सीधा 120 पे जाके रुकेगा, ऐसा नहीं। स्पीड ब्रेकर्स तो आएंगे ना, तो हो सकता है आपको ये कप एंड हैंडल वाला आ जाए। जी चलिए, तो हम लोग इसी बहाने थोड़ा थोड़ा टेक्निकल भी
सीखते समझते रहते हैं। उसमें हम लोग कभी मैं बिल्ली को पकड़ के ले आता हूँ, कभी सोमेश्वरी दर्जी को पकड़ के ले आते हैं, इसी तरह से। नहीं तो फिर मज़ा नहीं आता है, बहुत बोरिंग हो जाएगा अगर हम लोग शुद्ध किताबी तकनीकी भाषा अगर हम इस्तेमाल करेंगे। अब उसका मतलब, डॉलर इंडेक्स का मतलब हमारे रुपए के लिए क्या है, क्योंकि फिर घूम फिर करके वहीं पर बात आती है। रुपए की जैसे मूवमेंट बनेगी उसका असर आएगा सेंसेक्स निफ्टी पे, तो इसको भी समझना ज़रूरी है। और इसकी भी हमने बात की थी कि आरबीआई इतनी आसानी से 80 के ऊपर तो निकलने नहीं देगा, और वही चीज़ हमें चार्ट में दिख रही है। मतलब बार बार लगता है कि बाजार में कुछ ताकतें हैं जो इसको 80 के ऊपर धकेलना चाहती हैं, और कोई एक ताकत है जो कहती है कि नहीं भाई रुक जाओ, छत यहीं पर है। इसमें आपका दोनों चीज फेवर कर रहा है, एक तो एफआईआई बाइंग भी हेल्प कर रही है और आरबीआई का इंटरवेंशन भी हेल्प कर रहा है, दोनों हेल्प। प्लस थोड़ा सा अगर एक डिस्टेंस से आप अपने चार्ट का व्यू लेंगे तो आपको ये थोड़ी दूर से कहीं ना कहीं डबल टॉप सिनेरियो देता हुआ भी नजर आएगा, और एक टॉप आपका इधर लेफ्ट में ग्रीन कैंडल है और एक अभी जो राइट में आपका रेड कैंडल बना हुआ है जी। ये डेट आप डाल के देखना पड़ेगा, लेकिन ये रफली डबल टॉप का भी सिनेरियो है, और यहाँ से इतने आसानी से फाइट खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इसमें सारे डीएमएस लगा के रखे हैं तो ये देखिए अभी कोई भी डीएमए इसका ब्रीच नहीं हुआ है डाउन साइड पे, तो देयर इज नो रीजन टू बिलीव कि आपका ये डबल टॉप या 80 के पास का फाइट खत्म हो गया। लेकिन यहीं पर एक चीज ये भी है कि 7930 के नीचे जाते ही आप कई तरह से टेक्निकली ये चार्ट निगेटिव हो जाएगा डॉलर के लिए, करेक्ट, और इसलिए उसका वेट एंड वॉच करना है। तो फिर उसके इसमें होगा यही कि शायद डॉलर इंडेक्स का जो कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है फेल भी हो सकता है, तो अब इसीलिए एक एक डेटा को रीड करना पड़ता है, इतना कंफ्यूजिंग डेटा है। एक कहता है कि रिजर्व करेंसी अभी भी ऊपर जानी चाहिए, लेकिन रुपी आपका 80 पे फाइट दे रहा है, लेकिन ये आर्टिफिशियल फाइट है, ये नेचुरल फाइट नहीं। अगर नेचुरल फाइट रहती थी, लेकिन एफआईआई फ्लो जो आ रहा है वो तो नेचुरल है ना। हाँ वो नेचुरल है, लेकिन आपका ये जो फाइट जो आप देख रहे हैं ये इसलिए भी है बिकॉज आपका यहाँ पे आरबीआई इंटरवीन कर रहा है और एफआईआई का भी फेवरेबल कंडीशन है हमारे इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये दोनों चीज हमारे फेवर में है। लेकिन इनका फोर्स अभी इतना ज्यादा नहीं है कि इन्होंने कोई डीएमए को क्लियर किया है ऑन द वे डाउन। जब इनका फोर्स इतना अप्लाई होगा कि इन डीएमएस को क्लियर कर ले ऑन द वे डाउन, फिर हमको अपनी एनालिसिस शुरू करनी पड़ेगी, शायद डॉलर का डबल टॉप सॉरी रुपी डॉलर पैर का डबल टॉप बन गया है एंड मिनिमम करेक्शन वहां से जो होना चाहिए लार्जर ट्रेंड का वो शुरू हो जी। तो अगर 80 के ऊपर जाता है तो उसका हमारे लिए निफ्टी सेंसेक्स के लिए क्या मतलब होगा, अगर वो करेक्शन लार्जर ट्रेंड का शुरू हो जाता है तो उसका हमारे लिए क्या मतलब होगा? उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते, इसलिए कि फिर आपका हमारा मेजर ट्रबल क्या है, क्रूड। अगर क्रूड हमारे फेवर में रहता है और रुपी एक दो डॉलर के अगेंस्ट एक दो पॉइंट ऊपर भी चला जाता है बिकॉज ग्लोबल फोर्सेज अगेंस्ट जा रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं ओवरऑल निगेट हो जाएगा बिकॉज आपका डेफिसिट कहीं बैलेंस आउट करेगा क्रूड, बिकॉज हमारा हैवी डिपेंडेंस है क्रूड एनर्जी। इसलिए रीडिंग साथ में करनी है, यहाँ की भी रीडिंग करनी है, डॉलर इंडेक्स की भी रीडिंग करनी है, क्रूड की भी रीडिंग करनी है, एफआईएस की भी रीडिंग करनी है, यील्ड की भी रीडिंग करनी है, सबके साथ में रीडिंग करके देखेंगे तब फाइनल समझेंगे कि क्या रुपी फिर से 82 भी जाता है, जो कि ओपन है 82 to 82.5 तक अभी भी ओपन है। अगर वहाँ पे जाता है तो क्या इतना नेगेटिव होगा, इन आइसोलेशन देखेंगे तो 100% नेगेटिव कोई डाउट ही नहीं। लेकिन अगर अदर नेगेटिव फैक्टर्स आ रहे हैं आपके सामने तो वो थोड़ा न्यूट्रलाइज तो करेंगे ना, तो वो फर्क पड़ेगा जी।